साहब, 2023 एक ऐसा साल था जो बहुत सी यादगार मूवीज देखे गए, खासकर बॉलीवुड में, जहां पर पिछले एक दो साल से आफ्टर पैंडमिक हम कह लें तो साउथ का डंका ज्यादा बज रहा था और हॉलीवुड मूवीज का तो डंका बजता ही बजता है, लेकिन बॉलीवुड मूवीज इतना खास नाम नहीं कमा पाई थी। लेकिन इस साल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बहुत सी ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवीज आई हैं जिनमें से पांच मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवीज लगी हैं। लाइक उनके बराबर, यानी स्क्रिप्ट राइटिंग में उनकी बात कर लो, चाहे एक्शन की बात कर लो, चाहे स्टोरी कॉन्टेंट की बात कर लो, मतलब ये मूवीज जनता का दिल जबरदस्त तरीके से जीत के गई है। ना कि 15-20 दिन के लिए, भाई साहब, थिएटर हाउस में 30-40-50-50 दिन तक टिक कर गई हैं और जबरदस्त। बावजूद कि ये क्लैश में भी पिटी गई हैं, बावजूद कि ये कोई अंडर रेटेड मूवी थी जिनका इतना हल्ला बोलबाला हुआ नहीं, इतना ज़्यादा कलेक्शन जैसे हुआ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी ये मूवीज जनता के दिल में जरूर टच करके गई हैं। तो ये सब साल गुजर गया, मैं आपको ये पांच मूवी रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आपने नहीं देखी तो इन्हें जाके जरूर देखें। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। 2023 की जब शुरुआत हुई थी तो एसआर के पठान के साथ जो जंप मारा है और ऐसा सॉलिड कमबैक किया कि मूवी 1000 करोड़ टच करके गई है। या दोस्तों, ब्लॉकबस्टर कमबैक था शाहरुख खान का और मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद करा गया था। थिएटर हाउस में 40 से 45 दिन तक ये मूवी जबरदस्त तरीके से राज करके गई है। इस टाइम कोई पर भी मूवी आई जो अंडर रेटेड बजट थी या फिर कोई भी वेब सीरीज ओटीटी मूवीज की, तो यहाँ पर इन्होंने धज्जियाँ ही उड़ा रखी थी। एक्शन के मामले में फाड़ डाला, स्पाई यूनिवर्स में, वायरफ स्पाई यूनिवर्स में नंबर वन मूवी बन चुकी है पठान, जो टाइगर को भी एक बार के लिए पीछे छोड़ चुका है। भाई बजट की बात करें तो 250 करोड़ के इस बजट में इस मूवी को कंप्लीट कराया गया था डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में। एसआर के मेन लीड पर थे, सपोर्टिंग में नेगेटिव एंड सपोर्टिंग रोल पर हमें दीपिका पादुकोण एंड जॉन इब्राहिम। भाई साहब, नेगेटिव रोल में क्या ही छाया है ये बंदा इस बार। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मिनट इंडियन कलेक्शन से 543 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन मल्टी लैंग्वेज से कराया है। उसके बाद ओवरसीज से, भाई बाहर की दुनिया से, ये सिर्फ 397 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में लेके आए हैं, जो अभी तक इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर मूवी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1055 करोड़ का रहा है। सभी को लगा था कि पठान जब ब्लॉकबस्टर हो ही चुकी है तो भाई एसआर के जो और भी मूवीज लाने वाले हैं अब इनकी उतनी नहीं चल पाएगी, लेकिन जवान जैसी आई है उसने पठान के भी रिकॉर्ड को थरासाई कर दिया। धांसू कमबैक यहां से जो एसआर के ने नाम कमाया है, सॉलिड फैन फॉलोइंग, जो स्टारडम था वो और भी ज़्यादा उभर के आया, क्योंकि जीरो मूवी के बाद उन्होंने 4 साल का गैप लिया और जीरो मूवी के बाद काफ़ी हेट झेलना पड़ा था और स्टारडम में बहुत कमी देखने को मिल गई थी। लेकिन जब ये दोनों मूवीज आई हैं, भाई पूरा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। पॉलिटिक्स को ऐसा तंज कसा है इस मूवी के जरिए से, ड्रामेटिक वे में बहुत बड़े बड़े मुद्दे को इतनी प्यारी तरीके से दिखाया है जो जनता को सीधा हिट करके गया है। एक्शन की तो कोई बात ही नहीं है, एक्शन तो धमाकेदार इसमें मिला ही मिला है। साथ में जो कॉन्टेंट है, क्योंकि अटली कुमार के डायरेक्शन में इस मूवी को डायरेक्शन दी गई थी, जो जबरदस्त लोगों की उम्मीदों से कहीं ऊपर उतरी थी खरी, क्योंकि लोग सोच रहे थे पठान जब इतनी ब्लॉकबस्टर जा ही चुकी है तो जवान क्या ही जा पाएगी, क्योंकि एक्शन के मामले में पठान ने जो दिखाना था वो दिखा दिया है एसआरके ने। लेकिन भाई साहब, जवान में उससे भी कहीं लेवल का हमें सिनेमा देखने को मिला है, क्योंकि बहुत ही दमदार इसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो बात उठाई गई थी, पॉलिटिकल कनेक्शन जबरदस्त तरीके से सेट कराया गया था, जो वाकई में जो इस टाइम की जो कहानी चल रही है, जो भी करप्शन के लिए बातें उठाई जानी चाहिए वो इस मूवी में उठाई जाते दिखी थी। डायरेक्टर अटली कुमार के डायरेक्शन में मेन लीड शाहरुख खान थे, विलेन में विजय सेतुपति ने जो आग फाड़ी है इसमें, भाई साहब विलेन का भी बहुत ही जबरदस्त दबदबा रहा है इस बार मूवीज में। चाहे पठान में जॉन इब्राहिम ले लो और हमें जवान में विजय सेतुपति देखने को मिले थे, देन टाइगर 3 में हमें इमरान हाशमी देखने को मिले थे। भैया, नेट इंडियन कलेक्शन जवान ने 640 करोड़ 25 लाख का ह्यूज कलेक्शन किया है, जो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर है। ओवरसीज से 400 करोड़ का भारी भरकम बजट, भाई साहब बॉलीवुड की कोई भी मूवी ओवरसीज से इतना कलेक्शन नहीं ला पाई। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1160 करोड़ का करा था, जिसने सभी के कान खड़े कर दिए थे। मतलब हेटर्स जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि पठान तो चलो जैसे तैसे हिट हो गई, लेकिन जवान अगर हमें जरा सी नीचे देखने को मिली हम इसे इतना ज़्यादा ट्रॉल करेंगे, लेकिन कोई भी मूव, कोई भी जरा सा लूप होल नहीं दिया एसआरके ने और जवान से जो ब्लॉकबस्टर कमबैक लिया है, भाई हेटर्स यहाँ थरासाही हो चुके थे। वही एनिमल मूवी की बात करूँ तो संदीप रेड्डी वांगा, जिसने स्टार्टिंग ही इस साल की स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी का असली मतलब क्या होता है, भाई इंडियन सिनेमा को उसकी औकात दिखा दूंगा, और वो खरे उतरे।
ऐसा सॉलिड कमबैक ऑफ रणबीर कपूर, ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये बंदा इतनी सुपर डुपर लेवल पर ब्लॉकबस्टर ओपनिंग करेगा, देन उसके बाद कलेक्शन करेगा। बॉबी देओल जिनका बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है भाई, निगेटिव में इस बंदे ने सभी का दिल लूटा है। एनिमल एक ऐसी मूवी थी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेन लीड ही नहीं चमका है भाई, सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत ज़्यादा चमके, जहाँ रश्मिका मंदाना, देन उसके बाद अनिल कपूर, देन तृप्ति दिमरी भाई बहुत छोटे रोल पे आई थी ये, और तृप्ति दिमरी के भाई नेशनल क्रश के हिसाब से इसे देखा जा रहा है, मतलब लोग आफ्टर रश्मिका मंदाना तृप्ति दिमरी को काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग यहाँ से मिली है। छोटे छोटे जो सपोर्टिंग रोल हैं वो बहुत ज़्यादा उठे हैं। मूवी को एडल्ट कॉन्टेंट के हिसाब से दिखाया गया था ए रेटेड, क्योंकि वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी जिस हिसाब की इसमें देखने को मिली है भाई साहब, बॉलीवुड की मूवी में ऐसे खुल के नहीं दिखाया जाता है। हाँ, एक बार के लिए गैंग्स ऑफ वासीपुर में दिखाया गया था, वही चीज़ वही सारी चीज़ें पैटर्न इसमें ही फॉलो करा गया है, और ऊपर से जो वेब सीरीज में खुल के दिखाया जाता है वही चीज़ इसमें भी दिखाया गया है। अभी भी ये मूवी चल रही है और ज़बरदस्त चल रही है, क्योंकि इस टाइम पर डंकी और सालार का अलग डंका बज रहा है, बावजूद इसके एनिमल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जगह लूट रही है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी ने 890 करोड़ 25 लाख का कर लिया है, जो रनिंग चल रहा है अभी, इसमें और भी ज़्यादा कलेक्शन जुड़ सकता है। नेट इंडियन कलेक्शन बहुत फाड़ किया है, क्योंकि इससे ऊपर और भी मूवीज हैं जिन्होंने हिंदी से नेट इंडिया कलेक्शन से बहुत ज़्यादा कमाई कर ली थी, एनिमल के लिए नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि लोगों की भाई साहब जेब ढीली हो चुकी थी एट द एंड ऑफ दिस ईयर, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी बजट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और इस मूवी को जाके थिएटर हाउस में देखा, और ना कि सिर्फ देखा भाई साहब, सीटियाँ तालियाँ जो मिली वो सब बजाया है। मूवी को बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स भी झेलना पड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत एक बार के लिए क्रिटिकल तो है ही। ओवरसीज से 241 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन इस मूवी ने अपने खाते में रखा है। चलते हैं 12th फेल पर भाई साहब, बहुत ही अंडररेटेड मूवी, जहां जवान, पठान, एनिमल इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर प्रमोशन किया था, लेकिन 12th फेल के पास वो प्रमोशन नहीं था। वर्ड ऑफ माउथ ने जो काम किया, मतलब जब मूवी आई है देन उसके बाद जो पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, इसने फाड़ के आग लगाई है जनता के दिल में। इसने साबित किया कि भाई कॉन्टेंट इज द किंग, इफ योर कॉन्टेंट इज ग्रेट पब्लिक ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आएगी, इसे देखेगी, इसे बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएगी, और ले गई भाई साहब दिल पे जो राज किया है 12th फेल ने, क्योंकि इसमें रियल बायोग्राफी दिखाई है। चंबल के एक ऐसे गांव से एक ऐसा बंदा आता है जिसके पास सोर्सेज के नाम पर दूर दूर तक कुछ था ही नहीं, उसे यूपीएससी आईएएस होता क्या है ये तक नहीं पता था, लेकिन बाद में जब वो दिल्ली आया है तब उसे पता लगा कि भाई साहब हमें ऊपरी लेवल पर जाना है, तो एक आईएएस एक ऐसी पोस्ट है, आईपीएस एक ऐसी पोस्ट है जहां से हम बहुत कुछ चीज़ सुधार सकते हैं, सिखा सकते हैं, और जिस बंदे ने स्ट्रगल का असली मीनिंग क्या होता है वो चीज़ दिखाई। भाई साहब आटे की चक्की पे 14 से 15 घंटे काम करने के बाद भी रात में हारा थका शरीर के साथ सोने की बजाय 8 से 7 घंटा पढ़ने में अपना टाइम निकाला, और इस बंदे ने काम के साथ साथ जो अपने करियर पर फोकस किया है भाई, ऐसे स्ट्रगल की भी कमर टूट गई, क्योंकि ये जो स्ट्रगल था एक नेक्स्ट लेवल का स्ट्रगल था, जो सिर्फ सोचने पर ही दिमाग में दर्द दे जाएगा, और इस बंदे ने पूरा वहाँ जाके इसे झेला है, अपने ऊपर उतारा है, इम्प्लीमेंट किया है, देन उसके बाद एक आईपीएस ऑफिसर बनता है। भाई साहब यहाँ पर मूवी आते आते जो आँखें गीली हुई हैं लोगों की, क्योंकि इसमें रियल स्ट्रगल दिखाया गया है, और जो रियल बायोग्राफी है भाई साहब, चंबल में बिल्कुल भी इसकी अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर 12th में चीटिंग करा के पास कराया जाता था, और उस बंदे को आईपीएस के लिए हमें फाइट करना है, तो आप समझ ही सकते हो कि उसने किस लेवल का स्ट्रगल किया था। मूवी का बजट था 20 करोड़ के आसपास, जिसने कमाई करी नेट इंडिया से 53 करोड़ 88 लाख, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 67 करोड़ के आसपास इसने कमाई करी है, और मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हुई है, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में ही नहीं लोगों के दिलों में। लास्ट एंड फाइनल भाई OMG 2 की बात करें तो इस मूवी को सीधा सीधा टक्कर एक्शन मास से लेना पड़ा था, गदर 2 से इसका टक्कर क्लैश हुआ, जिस वजह से OMG 2 को उतना ज़्यादा भाव नहीं मिल पाया, लेकिन जो भी इस मूवी को देख के बाहर आया है भाई, दिल खुश होकर आया है, क्योंकि इसमें बहुत ही सीरियस इशू पर बात उठाई गई थी, सेक्स एजुकेशन पर फोकस कराया गया था, खासकर टीनेजर्स के लिए वो चीज़ दिखाई गई थी जो आज के टाइम पर इशू चल रहा है, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रामेटिक वे में जो समझाने की कोशिश करी है सोसाइटी को। भाई मैं समझता था कि ये मूवी को UA सर्टिफिकेशन की रेटिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन आई डोंट नो इसे ए रेटिंग सर्टिफिकेट क्यों दी, अगर UA देते तो भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से मैसेज जनता के पास पहुंच पाता, उन पेरेंट्स के पास पहुंच पाता जो वाकई में भाई इस इशू पर बात करना नहीं चाहते हैं अपने बच्चों से, और खासकर ऐसी सिचुएशन में वो टीनेजर्स बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं, और रिजल्ट क्या निकलता है, डिप्रेशन या फिर बहुत ही बुरी ऐसी चीज़ जो वाकई में हम चाहेंगे नहीं कि ऐसा कुछ हो जाए हमारे एक फैमिली मेम्बर से जिसके पास इतनी ज़्यादा समझ नहीं है।
लाइक मास्टरबेशन जैसे बड़े मुद्दे पर बात उठाई गई और बहुत ही ड्रामेटिक वे में इसको बहुत ही प्यारी तरीके से समझाने की कोशिश करी। भाई साहब ये मूवी मेरी फेवरेट लिस्ट में सेकंड नंबर पर है, एंड वन एंड फर्स्ट नंबर पर ट्वेल्थ फेल है, एंड थर्ड नंबर पर मेरे एनिमल हैं, देन चौथे पर हमारी जवान है, एंड पांचवें पर पठान है। भाई मैं चाहूँगा कि आप ये सारी मूवीज देखें, क्योंकि इन्होंने जो आग लगाई है इस साल, मतलब बॉलीवुड ने जो आग लगाई है अपने कंटेंट के साथ, अपने एक्शन के साथ, अपने वैल्यूएबल लाइफ लेसन के साथ, देन उसके बाद डंकी भी चल रही है। भाई साहब डंकी जब पूरा कलेक्शन कर लेगी उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। भाई ये सारी मूवीज बहुत ही दमदार, अगर आपने नहीं देखी तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपने मिस कर दिया है। बाकी आपको इसके अलावा और भी कौन सी मूवीज पसंद आई हैं तो मैं हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी इनमें से आपको बहुत कौन सी मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।